हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो देखिए, अभी अभी मतलब अभी से एक दो घंटे पहले मिस्टर शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है। तो वो ट्वीट जो शाहरुख खान के बेटे जो गिरफ्तार हुए हैं केस में, उसके ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ट्वीट के बारे में, उस ट्वीट से जितनी भी वोकैबुलरी हम सीख सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है, पहला तो कि आई एम नो फैन ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स, haven't ever tried any, but I'm repelled by the gaulish epicuricacy displayed by those now witch hunting MSRK on his son's arrest. Have some empathy, Fox. The public glare is bad enough. No need to gleefully rub a 23-year-old's face in it. ठीक है, तो हम इसमें एक एक पूरे जो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरे जो ट्वीट के जितने भी वर्ड्स हैं, सारे ही वर्ड्स की हम एकदम बिल्कुल डिसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो शब्द है बहुत ही सिंपल सा है, फैन। तो फैन तो आप सभी को पता है, फैन का मतलब क्या होता है? स्टॉन्च सपोर्टर होना, मतलब किसी का प्रशंसक होना। यहां पर उसी सेंस में हुआ है, स्टॉन्च सपोर्टर होना मतलब बहुत ही कट्टर समर्थक होना, और आर्डेंट फॉलोअर होने का मतलब भी होता है बहुत ही कट्टर फॉलोअर होने के सेंस में आता है। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं, फॉलोअर नहीं हूं रिक्रिएशनल ड्रग्स का। अब यहां पर जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है रिक्रिएशनल ड्रग्स। तो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स क्या होते हैं और रिक्रिएशनल क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले ऐसा समझो कि देखो, रिक्रिएट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, रिक्रिएट में अगर आप TION लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और इसी में आप रिक्रिएशनल लगा दोगे, NAL लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। राइट, तो देखो यहां पर इसके बाद नाउन आ रहा है ड्रग्स, तो ड्रग्स के जो नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। रिक्रिएशनल, अब रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है, रिक्रिएशनल का मतलब होता है कनेक्टेड विद एक्टिविटीज दैट पीपल डू फॉर एंजॉयमेंट व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। यानी कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप एंजॉयमेंट के लिए जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें आप रिक्रिएशनल कहते हैं। यानी कि जो काम सिर्फ मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं उन्हें हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहते हैं। अब इस रिक्रिएशनल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जिस भी नाउन के पहले ये लगता जाएगा उसका अर्थ अलग अलग होता जाएगा। जैसे कि लोग ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराई जाती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब जैसे कोई काम करते करते बोर हो गया तो कोई फन गेम करा देंगे, कुछ एक्टिविटी करा देंगे जिससे आपका थोड़ा सा मन अच्छा होगा, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। तो इस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफिसर्स में कराई जाती हैं। ठीक है, यहां पर टर्म यूज हुआ है रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ में। तो रिक्रिएशनल ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जिससे इंसान को बहुत ही मौज मस्ती की फीलिंग आती है, इस तरीके के ड्रग्स की यहां पर बात हो रही है। रिक्रिएशनल और क्या होता है, रिक्रिएशनल व्हीकल होता है। तो रिक्रिएशनल व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जो आपने स्वदेश फिल्म में देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान जिस घर में रुकता है उसे कैरावान भी कहते हैं और उसी को रिक्रिएशनल व्हीकल भी कह सकते हैं। या आपने कभी अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू देखा हो तो कई बार जब चुनाव के सिलसिले में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनके पास एक बड़ा बढ़िया सा वैन टाइप का है, उसमें वो इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, तो उसे भी रिक्रिएशनल व्हीकल कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके की मोटर गाड़ियां जो आपने फिल्मों में देखी होंगी अक्सर, इन जिनमें अंदर मतलब देखो इस तरीके के बढ़िया मस्त सोफे लगे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम रेस्टोरेंट में हैं, तो इस तरीके की गाड़ियों को रिक्रिएशनल व्हीकल कहा जाता है क्योंकि इसमें आप मौज मस्ती कर सकते हैं। इसी तरीके से रिक्रिएशन ग्राउंड होते हैं। तो रिक्रिएशन ग्राउंड हम मैदान को कह सकते हैं, खेलने कूदने के मैदान को जहां पर आप खेलते कूदते हैं उसे रिक्रिएशन ग्राउंड कह सकते हैं। इसी तरीके से ऑफिसर्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में रिक्रिएशनल रूम होते हैं। रिक्रिएशन रूम में वो कमरा जिसमें हम खेलने कूदने के लिए जाते हैं उन्हें रिक्रिएशन रूम कहा जाता है। जैसे कि एक रिक्रिएशन रूम है, देखो यहाँ पर बढ़िया बिलियर्ड्स लगा है, यहाँ पर भी कोई गेम लगा हुआ है, टेबल टेनिस लगा हुआ है, आपका ये आपका फूसबॉल लगा हुआ है, तो इनको इस तरीके के कमरे को रिक्रिएशनल रूम कह सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिक्रिएशनल ड्रग्स का मतलब क्या हो गया। रिक्रिएशनल ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो इंसान मौज मस्ती के लिए लेता है, बट आप इनका डिग्री क्या है वो आप इससे समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि हैवंट एवर ट्राइड एनी, मैंने कभी कोई ट्राई भी नहीं किया, बट आई एम रिपेल्ड। तो अब रिपेल का मतलब समझ लेते हैं। रिपेल का मतलब हो जाता है, देखिए रिपेल क्या है, रिपेल एक वर्ब है। रिपेल करना मतलब होता है प्रतिकर्षित करना किसी को, मतलब जैसे होता है ना कि मैग्नेट्स के अगर अपोजिट पोल है तो वो अट्रैक्ट करते हैं और अगर सेम पोल है तो वो रिपेल करते हैं, तो उसे कहते हैं रिपेल करना।
और अगर वर्ब में अगर हम इस तरीके से ईडी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप कहते हैं ये यहां पर क्या हो जाएगी, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी, आई एम रिपेल्ड, यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब हो गया मैं काफी इससे विचलित हूं, काफी मतलब बहुत ही खराब लग रहा है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे फाइट ऑफ, रिपल्स, ड्राइव बैक, पुट टू फ्लाइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। कीप एट आर्म्स लेंथ, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर रखना, किसी से दूर रहना। और इसके सिनोनिम हो सकते हैं रिवॉल्ट, डिस्गस्ट, रिपल्स, सिकन, नॉजिएट मतलब बिल्कुल बहुत खराब लगना कि उल्टी आ रही है इस तरीके से, मेक समवन फील सिक इतना खराब लगना कि किसी को फील मतलब बीमार फील हो रहा है, टर्न समवन स्टमक या बी रिपल्सिव हो जाना, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल हो जाना, रिपेंजेंट होना, मेक शडर, मेक समवन फ्लैश क्रीप मतलब एकदम गुस्सा आ जाना, बहुत ही खराब लगना, मेक समवन स्किन क्रॉल मतलब आपको बहुत खराब लग रहा है, मेक समवन गॉर्ज राइज, गिव समवन द हीबीजीबीज, मेक समवन वांट टू थ्रो अप, थ्रो अप मतलब होता है उल्टी करना, जैसे ही इज थ्रोइंग अप मतलब उल्टी कर रहा है, तो उस सेंस में आता है। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स आप इसके समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑलमोस्ट इनमें से सारे ज्यादातर पूछे गए हैं और आपको डेली लाइफ में भी इनका यूज दिखेगा। अगला वर्ड हमें क्या मिलता है, अगला वर्ड मिलता है द गॉलिश एपिकेरिकेसी। ठीक है, पहले एपिकेरिकेसी पे बाद में आएंगे, पहले आते हैं गॉलिश। तो गॉलिश क्या होता है आपका, गॉलिश जो है आपका ये गॉल नाउन है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है गॉल, गॉल का मतलब हो जाता है स्पूक, फैंटम या फिर भूत। तो इसी नाउन में जब वो ISH लगाता है तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव। देखिए एपिकेरिकेसी नाउन है, उसके पहले ये एडजेक्टिव बन गया, ACYL बनता है तो वो नाउन हो जाता है, तो ये एडजेक्टिव बन गया गॉलिश। इसका मीनिंग हो गया रिजेंबलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गोल यानी कि भूतिया एक तरीके से, बट यहां पर इसका अर्थ भूतिया से नहीं है, यहां पर इसका अर्थ है जैसे मैकेबर हो सकता है, ग्रीसली हो सकता है, ग्रूसम हो सकता है, ग्रोटेस्क माने विचित्र हो सकता है, घासली और मॉर्बिड, यहां पर इसका मतलब बहुत खराब के सेंस में है, कुछ समथिंग विच इज वेरी बहुत ज्यादा खराब के सेंस में, वो इसलिए यूज कर रहे हैं इसको। अगला जो वर्ड इन्होंने लिखा है वो लिखा है एपिकेरिकेसी। ये जो शब्द है अगर आप इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे या किसी भी डिक्शनरी में, मेमोरियम वेबस्टर में देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द जो है ग्रीक वर्ड है और ग्रीक डिक्शनरी से इसे एज इट इज उठाया गया है, बोरो किया गया है अंग्रेजी डिक्शनरी में, इसलिए ये शब्द आपको किसी भी डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो एपिकेरिकेसी का मतलब हो जाता है कि दूसरे के जैसे, वही हो रहा है ना कि मतलब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो मजा सबको आ रहा है, आप भी ट्वीट कर रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि अरे देखो ये क्या हो गया, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, मीम्स बन रहे हैं बहुत सारे, और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं सारी मीडिया उनको कवर कर रही है, मीडिया पे रोज दिन भर यही न्यूज चल रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये जो पूरा मतलब किसी के साथ तो बुरा हो रहा है और आपको उसमें मजा आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एपिकेरिकेसी, मतलब रिजॉइसिंग एट और डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरे की जो क्या जो मिसफॉर्चून है जो उसके साथ खराब हो रहा है उसमें जो तुम्हें मजा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एपिकेरिकेसी। इसके लिए शशि थरूर जी ने ही अपने ही ट्वीट में एक बार और इन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया था, आई डोंट रिमेंबर द इंसिडेंट, बट इन्होंने अपने ट्वीट में ये वर्ड यूज किया था शेड एंड फ्लू, तो उसी का सिनोनिम इन्होंने आज यूज किया है एपिकेरिकेसी, और ये शब्द भी एक बार ये यूज कर चुके हैं ट्वीट में। इससे जो हल्का फुल्का मिलता जुलता शब्द जो तुम्हें मिल सकता है मतलब हमारी डिक्शनरी में और जो यूज में, वो सैडिस्ट हो सकता है, सैडिस्ट का मतलब ये होता है कि दूसरे को पेन देकर आपको मजा आ रहा है, उसे सैडिस्ट कहते हैं। तो एपिकेरिकेसी का मतलब दूसरों की समस्या में मजा लेना, इज कॉल्ड एपिकेरिकेसी, समझ गए। अगला आता है देखिए यहां पर वर्ड कि बाई दोज नाउ विच हंटिंग MSRK, यानी कि विच हंटिंग शाहरुख खान। तो विच हंटिंग क्या होता है, विच हंटिंग मतलब एक तरीके का कैंपेन ड्राइव कर देना, एक तरीके का कैंपेन चला देना किसी व्यक्ति किसी ग्रुप के अगेंस्ट, होल्डिंग व्यूज कंसिडर्ड अनऑर्थोडॉक्स और अ थ्रेट टू सोसाइटी, मतलब किसी के अगेंस्ट आपने पूरा कैंपेन चला रखा है। विच हंटिंग, विच मतलब होता है ट्रैल और हंट करना मतलब उसे पकड़ना, तो एक तरीके से आपने किसी के अगेंस्ट जो है पूरा कैंपेन चला रखा है, उस सेंस में बात हो रही है कि मतलब जो लोग SRK के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उसके संघ के अरेस्ट पर, समझ गए। इसके बाद अगला जो वर्ड है वो है एम्पैथी। एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप CGL 2019 जो अभी हमारा पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। इसका जो रूट वर्ड है वो है हमारा पैथोस, और पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स, तो इससे जो वर्ड बनते हैं वो बनता है एम्पैथी, सिंपैथी, अपैथी और एंटीपैथी। एम्पैथी का मतलब हो जाता है कि किसी जैसे किसी मान लीजिए शाहरुख के बेटे के साथ बुरा हुआ, ठीक है जो भी हुआ मान लीजिए बुरा हुआ, तो अगर सलमान खान जो है वो शाहरुख से एम्पैथी रखेगा, क्यों,
क्योंकि शाहरुख के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो सलमान खान उसके प्रति सहानुभूति रखेगा, सॉरी ये मैं सिंपथी बता रहा हूं, सिंपथी यानी किसी दूसरे के साथ जो बुरा हो रहा है तो आप जो उसमें सहानुभूति रख रहे, जैसे मान लीजिए किसानों की हत्या हो गई हाल में या कोई भी किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, किसी के रिलेटिव की डेथ हो गई, तो आप अपने फ्रेंड के साथ में सिंपथी रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, उसे हम कहते हैं सिंपथी। और एम्पैथी क्या होता है, मतलब हमें एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखनी चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूं कि बेटा अगर जैसे मान लीजिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है कल को या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनता है कल को, तो तुम्हें उसके साथ में क्या रखनी पड़ेगी, तुम्हें उसके साथ में एम्पैथी रखनी पड़ेगी। तुम उसकी भावनाओं को जब समझोगे तो उसी को हम एम्पैथी कहेंगे, और नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की भावनाओं को समझोगे तो उसे एम्पैथी कहेंगे कि आप एम्पैथी रखिए, उसकी भावनाओं को समझिए। और अगर आप नहीं समझोगे तो ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप होगा तो आपका फ्रेंड आपके साथ क्या रखेगा, सिंपथी रखेगा, क्योंकि आपके साथ बुरा हो गया है। जब आपके साथ बुरा होगा तो आपका मित्र आपके प्रति सहानुभूति रखेगा, उसे कहते हैं सिंपथी। समझ गए? अपैथी मतलब एक बहुत ही इनडिफरेंट व्यक्ति, थिक स्किन्ड व्यक्ति जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, उसे हम कहते हैं अपैथेटिक, यानी कि ही इज अपैथेटिक पर्सन, यानी बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म का व्यक्ति है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई जी रहा है या कोई मर रहा है, बहुत ही इनडिफरेंट है, उदासीन है। और एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और पैथी मतलब फीलिंग, किसी के अगेंस्ट फीलिंग्स होना, मतलब हो जाता है हॉस्टिलिटी, वैमनस्यता होना, ठीक है, वैमनस्यता होना, ठीक है, अगेंस्ट फीलिंग होना, एनिमिटी की भावना होना, दुश्मनी का फील होना, समझ गए? तो ये सारे वर्ड्स आपके एम्पैथी से रिलेटेड हो गए। अगला वर्ड जो इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी एम्पैथी दिखाओ, थोड़ी सी भावनाओं को समझो उसकी, राइट, हमें उसके साथ थोड़ी उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए। द पब्लिक ग्लेयर इज बैड इनफ। अब ग्लेयर का मतलब क्या है, ग्लेयर जो है वो आपका वर्ब भी है और ग्लेयर आपका नाउन भी है। ग्लेयर जब आपका वर्ब होता है तो उसका मतलब हो जाता है कि किसी को, जैसे मम्मी पापा अगर हम बचपन में शरारत करते थे तो मम्मी पापा आंख दिखाते थे ना, तो ग्लेयर मतलब होता है किसी को गुस्से में देखना, आंख दिखाने के सेंस में आता है ग्लेयर। और ग्लेयर जब नाउन होता है तो उसका मतलब चमक हो जाता है, बहुत ही वेरी ब्राइट और अनप्लीजेंट लाइट। इसका तीसरा मीनिंग समझिए, जैसे एग्जांपल देखो यहां लिखा हुआ है, द डिवोर्स वाज कंडक्टेड इन द फुल, सॉरी फ्लेयर लिखा है, द डिवोर्स वाज कंडक्टेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ पब्लिसिटी, यानी कि एकदम ओपनली जो डिवोर्स कंडक्ट किया गया था जिसमें सभी लोग उसे देख सकते थे, सभी लोग उस पे उसमें और न्यूज़पेपर वगैरह में उसे पढ़ सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे मीनिंग हो गया विद कंटिन्यूअस अटेंशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन, यानी कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन से कंटिन्यूअस अटेंशन मिल रहा था, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ग्लेयर। तो उसी सेंस में यहाँ हो रहा है कि पब्लिक ग्लेयर इज बैड इनफ, यानी कि जो पब्लिकली तमाशा बन रहा है वो काफी है उसके लिए, ठीक है, आपको इसमें और ज्यादा आदमी घी डालने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू ग्लीफुली रब अ 23 ईयर ओल्ड फेस इन इट। तो देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ग्लीफुली, अब ग्ली जो है आपका नाउन होता है और इसका मतलब होता है खुशी, बहुत ही डिलाइटेड होना, ठीक है। अब ग्ली का मीनिंग ही जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो लिखा हुआ है कि डिलाइटेड होना, या तो आप अपने आप से खुश हो रहे हो या फिर किसी अन्य के साथ कुछ बुरा हो रहा है इसलिए आप खुश हो रहे हो, तो उसे भी ग्ली कहते हैं। और अगर नाउन को एडजेक्टिव बनाना है तो इसमें बन लग गया ग्लीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव, और जब उसी में एलवाई लगा दोगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब, हो गया टू ग्लीफुली रब। इसमें मैं आपको एक और रूल बता सकता हूँ, देखो एक पहले तो ये रूल देख लो कि बैड इनफ लिखा हुआ है बेटा, बैड क्या होता है, बैड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो इनफ के पहले आएगा, जैसे ही इज बैड इनफ, तो बैड इनफ देखो क्या है, एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है तो इनफ के पहले आएगा। और अगर मान लीजिए नाउन होता तो मान लीजिए अगर मैंने मनी लिखना है तो इनफ जो है आपका मनी जो है वो नाउन इसके इनफ के बाद आएगा क्योंकि ये नाउन है। तो याद रखेंगे अगर इनफ का यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव उसके पहले आएगा और नाउन उसके बाद आएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पर रूल बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टू ग्लीफुली रब, तो टू रब क्या है आपका इन्फिनिटिव है, टू के साथ जो फर्स्ट होती है इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि टू और वर्ब फर्स्ट के बीच में इन्होंने एडवर्ब घुसेड़ रखा है, टू और वर्ब फर्स्ट के बीच में इन्होंने एडवर्ब घुसेड़ रखा है, और इसे हम अंग्रेजी में स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर देना। और इसे अगर आप फॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे, ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो इसे इनकरेक्ट माना जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है, तो शशि थरूर सर यहां गलत नहीं है, ही इज राइट,
क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ये सही कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए टू ग्लीफुली राव लिखना सही है, समझे? तो ये लिखना एकदम करेक्ट है। अगर आपके एग्जाम में भी आ रहा है तो आप इसे गलत नहीं मार्क करेंगे, स्प्लिट इंफिनिटिव को सही माना जाता है। अगर एग्जाम में गलत होता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश किताब में लिखा हुआ है, सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे जैसे हिंदू सिंह एसपी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्प्लिट इंफिनिटिव को रॉन्ग ही बताया जाता है। तो ग्लीफुली का मतलब हो जाता है आपका इन अ हैप्पी वे बिकॉज ऑफ समथिंग गुड यू हैव डन, खुश में खुश तरीके से, अगर चूंकि आपने कुछ अच्छा किया है या फिर किसी अन्य के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो दोनों ही सेंस में आता है ग्लीफुली कि मतलब किसी अन्य के साथ कुछ बुरा हो गया या फिर आपके आपने कुछ अच्छा किया, तो यहाँ पर उसके साथ में बुरा हो रहा है इसलिए लोगों को मजे आ रहे हैं। तो ग्लीफुली रब अ 23 इयर्स ओल्ड फेस इन इट। तो एक और idiom है हमारा, रब somebody's face in it। तो rub somebody's face in it का मतलब हो जाता है to make someone feel worse about something the person already feels embarrassed about। यानी कि आपने कुछ गलत किया, आप उसके लिए already embarrassed हैं, बहुत embarrassed हैं, और आप उसको बार बार वो चीज याद दिला रहे हैं और आप उसके लिए उसको बार बार wrong feel करा रहे हैं, गलत feel करा रहे हैं, that is called rub somebody's face in it, that is what happening here। कि मतलब जो भी SRK के बेटे ने जो भी किया वो गलत है और वो उसके लिए ऑलरेडी शर्मिंदा है, बिकॉज काफी तरह की न्यूज आ रही, तो अब वो व्यक्ति ऑलरेडी शर्मिंदा है और आप उसे बार बार वो चीज याद करा के, याद दिला दिला के आप उस व्यक्ति को और ज्यादा एम्बेरस्ड फील करा रहे हैं। तो ये idiom हो गया टू रब somebody's फेस इन इट का मतलब हो जाता है किसी को बहुत खराब फील कराना किसी ऐसे काम के लिए जो उसने किया है और उसके लिए वो ऑलरेडी एम्बेरस्ड है, ठीक है। तो ये शशि थरूर जी का एक ट्वीट था जिसमें हमने थोड़े से ग्रामर के रूल्स भी सीखे, दो ग्रामर के रूल्स सीखे कि इनफ के एडजेक्टिव है तो इनफ के पहले आएगा, नाउन है तो इनफ के बाद आएगा, और स्प्लिट इन्फिनिटिव करेक्ट होता है। बाकी मैंने सारे वर्ड्स बता दिए हैं, इससे ज्यादा डिटेल में स्पीच में आपको बचा नहीं है, पूरा इसका डिसेक्शन हो गया है। आई थिंक आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, काफी वोकैबुलरी हमने सीख ली। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर करना, क्योंकि थोड़ी हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।